जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़ी दिन और जेकर मैं इतना तो जान गया जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती है। राधे श्याम में प्रभास के साथ दिखाई देने वाली पूजा हेगड़े का कैसा रहा फिल्मी सफर? पहली फ्लॉप के बाद पूजा को कैसे मिला दूसरा ब्रेक? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म राधे श्याम की, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। पूजा हेगड़े एक भारतीय मॉडल एक्ट्रेस है। वह वर्ष 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया की सेकेंड रनर अप रह चुकी है और पूजा ने हिंदी सिनेमा में फिल्म मोहेंजोदारो से डेब्यू किया। पूजा हेगड़े का जन्म महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ और पूजा का परिवार कर्नाटक के उडुपी से ताल्लुकात रखता है। पूजा हिंदी भाषा के अलावा अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल का भी पूर्ण ज्ञान रखती हैं। पूजा को अपने कॉलेज के दिनों से ही फैशन और मॉडलिंग का शौक था, इस कारण से वह स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही इन सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करती थी। पूजा साल 2009 में मिस फेमिना इंडिया के आधे पायदान पर पहुंचकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। इसके बाद उन्होंने दोबारा साल 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए आवेदन किया। वह इस प्रतियोगिता में सेकेंड रनर अप रही और इस प्रतियोगिता के बाद उन्हें साउथ फिल्म के ऑफर आने लगे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म मुंगोड़ी से की थी और इस फिल्म से उनके अपोजिट अभिनेता जीवा नजर आए थे। उसके बाद वह तेलुगु फिल्म ओका लैला कसम्स में नजर आई थी और पूजा को अब रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म सर्कस का ऑफर मिला है, जिससे वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी वापसी के रूप में देख रही है। पूजा का मानना है कि किसी भी कलाकार की पहली फिल्म उसके अंदर की ताकत को बता देती है। पिछले साल रिलीज हुई अक्षय कुमार, ऋतिक देशमुख और बॉबी दियोल की फिल्म हाउसफुल 4 में भी पूजा ने एक अहम भूमिका निभाई थी। पूजा कहती है कि वह तब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ बंधी हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी पहली फिल्म के बाद हिंदी की कोई फिल्म साइन नहीं की। पूजा को रोहित शेट्टी की फिल्में बहुत पसंद है। उन्होंने बताया कि जब सिम्बा फिल्म रिलीज हुई तो उन्होंने अपने पिता के साथ वह फिल्म देखी। फिल्म में अजय देवगन की जब एंट्री होती है तो उन्होंने इस पर सीटियां भी बजाई। रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस के बारे में जानकारी देते हुए पूजा ने कहा कि यह एक मसाला फिल्म होगी। पूजा का मानना है कि भले ही यह फिल्म विलियम शेक्सपियर ने लिखी की एक नाटक द कॉमेडी ऑफ एयर्स से प्रेरित होगी, लेकिन फिल्म बनेगी तो रोहित शेट्टी के ही अंदाज में। पूजा ने अपने होने वाले सह कलाकार रणवीर सिंह की भी तारीफें की हैं। उन्होंने कहा है कि रणवीर सिंह उनके साथ शूटिंग करेंगे, ये तो उनके लिए तवज्जो की बात है। उनका जोश सेट पर हमेशा ताजगी बनाए रखेगा। बता दें कि वर्ष 1982 में आई गुलजार की फिल्म अंगूर भी इसी कहानी पर आधारित थी। इसी के साथ पूजा प्रभास के साथ राधे श्याम मूवी में रोमांस करती नजर आएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।